सो हेलो दोस्तों, स्वागत है द सोलंकी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। और आज हम जानेंगे कि आप कैसे किसी भी डिवाइस को रूट कर सकते हैं यूजिंग मैजिक्स। मैजिक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप रूट कर सकते हैं किसी भी डिवाइस को, और आप इसे फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका नाम है मैजिक्स मैनेजर, और हम इसे इसकी मदद से रूट करेंगे रेडमी 4 को। और अगर आप सुपर सुपर पसंद नहीं करते हैं और मैजिक्स पर स्विच करना चाहते हैं तो आप सही जगह आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे इंस्टॉल कर पाएंगे किसी भी कस्टम रिकवरी की मदद से TWRP, रेड वुल्फ या फिर CWM। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप पे, और साथ ही मेरे पास है मेरा रेडमी 4 सैंथनी। और इसमें मेरे पास MIUI वर्जन 10 था जो कि एंड्रॉयड नोकाट पे बेस्ड था। तो इसमें मैंने डाल रखी है कस्टम रिकवरी TWRP, और इसी में हम रूट इंस्टॉल करेंगे, इसी डिवाइस को हम रूट करेंगे। आप देख सकते हैं TWRP इंस्टॉल्ड है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपको एक कस्टम रिकवरी होना ज़रूरी है। तो अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो पहले अभी जाके इंस्टॉल कर लीजिए, मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। और आपके पास होनी चाहिए अपने रोम की फाइल IMG। तो मेरे पास है MIUI, और मैंने डाउनलोड कर रखी है MIUI HMX वर्जन 10। आप देख सकते हैं नोगाट पे बेस्ड है, ये मैंने डाउनलोड कर लिया है। आपको भी अभी करंट OS की रोम फाइल डाउनलोड करके अपने एंड्रॉयड मोबाइल में डाल देनी है। तो यहाँ पे मैं अभी स्वाइप कर देता हूँ, और फिर आपको अपने मोबाइल को कनेक्ट कर देना है अपने लैपटॉप से। और जैसे ही आप कनेक्ट कर देंगे, आपको जो रिक्वायर्ड फाइल्स है वो सभी अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डाल लेनी है। तो यहाँ पे मैं सुपर सू या फिर मैजिस्क, तो फिलहाल हम मैजिस्क से रूट करेंगे। तो मैजिस्क और अपनी करंट OS की रोम फाइल आपको डाल देनी है अपने मोबाइल में। तो यहाँ पे मैं HMX MIUI को कॉपी करके सीधा पेस्ट कर देता हूँ। तो फिलहाल इसे हम होने देते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हो चुका है, और मैंने कॉपी कर ली है MIUI वर्जन 10 नोगाट बेस्ड अपने एंड्रॉयड मोबाइल में। तो बस यहीं तक का था हमारा लैपटॉप का काम, अब आ जाते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे। तो जब भी हम कोई OS इंस्टॉल करते हैं या रूट करते हैं, तो प्लीज़ कैशे को वाइप करना मत भूलिएगा। बेसिक भी कर लें और साथ में एडवांस पे क्लिक करके एडवांस वाइप भी कर लीजिए। यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट करना डेलविक आर्ट कैशे सिस्टम वेंडर डेटा एंड कैशे, और फिर आपको स्वाइप कर देना है। इन सब को स्वाइप करने के लिए स्वाइप कर दीजिए और वाइप कर दीजिए, और जैसे ही ये वाइप हो जाए, आपको आना है बैक एंड बैक अगेन बैक, और आपको टैप करना है इंस्टॉल पर। इंस्टॉल पर करने के बाद आपको शायद दिख जाएगा MIUI आपके करंट OS की रोम फाइल, ना दिखे तो आपको नीचे टैप करना है इंस्टॉल जिप पे, फिर आपको दिख जाएगा। जैसे आपको दिख जाए, आपको सिंपली नॉर्मली स्वाइप कर देनी है अपनी करंट OS की रोम फाइल, वो हो जाएगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हो चुकी है रोम इंस्टॉल, फ्लैश हो चुकी है, और आपको फिर से सिंपली वाइप करना है कैशे एंड डेलविक, और फिर आपको रूट करने के लिए फ्लैश करनी है मैजिक फाइल। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैजिक भी फ्लैश हो चुका है और सिस्टम अपने आप रीबूट हो चुका है। और अब आपको सिस्टम को पावर ऑन करना पड़ेगा, पावर बटन को 5 सेकंड्स तक प्रेस रखने के लिए। नाउ प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन टू स्विच ऑन द डिवाइस। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं आ गया, और अनलॉक का भी ऑप्शन आ चुका है क्योंकि मेरा डिवाइस अभी अनलॉक है।
तो ये काफ़ी टाइम लेगा, तो पैनिक मत होइएगा। चलिए अब इसे हम बूट होने देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हम आ चुके हैं अपने MIUI में और सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इस सेटअप को कंप्लीट करना है, तो सिंपली आपको करना है टैप एक्टिवेट दिस डिवाइस पे, और आपको उसी आईडी से लॉग इन करना है, उसी पासवर्ड से लॉग इन करना है जिसमें आपने ये डिवाइस लॉग इन किया था। तो चलिए अब हम इसमें पासवर्ड डाल देते हैं, एक्टिवेट दिस डिवाइस पे टैप करेंगे और अपना पासवर्ड डाल देंगे। तो आईडी वो पूछेगा नहीं क्योंकि वो पुरानी वाली आईडी ही आपको एंटर करनी है। तो यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ मैं, चलिए पासवर्ड डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड एंटर कर लिया है, तो यहाँ पे आपको टैप करना है एक्टिवेट पे, ये पासवर्ड वेरीफाई करेगा। आप देख सकते हैं वेरीफाइंग पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए अब हम सेटअप को कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सेटअप कंप्लीट हो चुका है और हमारे MIUI के ऐप्स भी आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये वर्किंग है MIUI। तो हाँ दोस्तों, ये पूरी तरह से वर्किंग है और मैं इसे अभी भी यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं प्ले स्टोर ऑफिशियली वर्क कर रहा है, क्योंकि ये जो मैंने रोम डाउनलोड की है ये मैंने ऑफिशियली MIUI.com से ही डाउनलोड की है। तो अब हम रूट चेकिंग करते हैं, तो सिंपली मैं टाइप करूंगा रूट चेकर ऐप, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट चेकर आ चुका है। चलिए अब हम इसे सिंपली इंस्टॉल कर लेते हैं। तो चलिए अब थोड़ा वेट कर लेते हैं इसे इंस्टॉल के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट चेकर इंस्टॉल हो रहा है। इसकी एप्लीकेशन की मदद से हम चेक करेंगे कि रूट चेकर इंस्टॉल है या नहीं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैजिस्क मैनेजर भी जेन्युइनली इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम देखते हैं मैजिस्क मैनेजर कैसा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑफिशियल मैजिस्क मैनेजर है, क्योंकि अपडेट भी अवेलेबल है। आप देख सकते हैं अब आप इसे अवेलेबल कर सकते हैं अपडेट के लिए। और अब हम चेक करेंगे रूट चेकर बेसिक को, और ये इंस्टॉल हो चुका है हमारे डिवाइस पे। तो चलिए अब हम इसे ओपन कर लेते हैं, सिंपली टैप करेंगे और डिस्क्लेमर में एग्री करेंगे। एग्री के बाद आप गेट स्टार्टेड करेंगे और सिंपली टैप करेंगे वेरीफाई रूट के लिए। ये सुपर यूज़र ग्रांट एक्सेस के लिए मांगेगा, आपको सिंपली टैप करना है फॉरएवर के ऊपर एंड टैप ऑन ग्रांट नाउ। और यहाँ आप देख सकते हैं बूम गाइस, कंग्रेचुलेशंस, रूट एक्सेस इज प्रॉपरली इंस्टॉल ऑन दिस डिवाइस। तो ऐसे ही आप अपने किसी भी डिवाइस को रूट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अपने रेडमी को सेम इसी मेथड से रूट कर सकते हैं। डाउनलोड फाइल इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और दोस्तों यही थी आज की वीडियो, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, और सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप नए हैं, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। और दोस्तों अगर आपको मीम्स पसंद है और डेली टेक्निकल स्टफ़ या फैक्ट्स या फिर उनसे रिलेटेड कुछ मीम्स चाहिए, फ़नी मीम्स, तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट करता हूँ। तो जाइए अभी और मेरे इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, @कृष्णा द यूट्यूबर। बस यही था आज का वीडियो।